जी तो भाई निकालते हैं कबूतर को बाहर, देखते हैं क्या करता है, भागता है क्या करता है। क्या है सारे कबूतर अभी तक बाहर नहीं आया। आओ बंदर ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं आया। ये बैठा हुआ कालू, उधर कालू बाहर आ गया। आओ इसमें असल में नए कबूतर मिले हैं तो थोड़े से आओ। भाई ये सब आवे, आओ अब उसको निकाल दें बाहर। वो कहाँ गया? वो ही बाहर निकल गया भाई, लेकिन ये रहा ये दिख भी नहीं रहा। ये को सही है, बेहतरीन। चलो छोटा सा पट्टा है, बिल्कुल ना समझिए, देखिए बिल्कुल करीब है मेरे। ये किसी का निकल गया ये गलती से, किसी ने से उड़ गया, गलती से उड़ गया बेचारा। आओ ये देखिए, इसको दाने का भी नहीं पता, दाना डालने में दाना भी नहीं खाने यार, यहीं डालते हैं इसको थोड़ा सा। उड़ भी नहीं रहा है भाई, ये खुल जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर नीचे होने लग जाएगा, खुद ही सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। सेट होगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, या अभी ये कोई करता है मूवमेंट तो वो भी दिखा दूँगा, बाकी ये सब बोल रहा लालच वगैरह। आओ ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया। देख लिया मैं इसको खोल लिया, अब इसका नसीब है जाए ना जाए, ये आज़ाद है बिल्कुल। बाकी कबूतर यहाँ घूम रहे हैं, सब चेक कर लें, सब खुश हैं माशाल्लाह से। बस गर्मी में पानी का लाजमी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुंडली में पानी ख़त्म ना हो, वरना कबूतर पोटा बंद कर लेगा, पोटा लगा लेगा तो कबूतर में यही बीमारी आएगी गर्मियों में, कमज़ोरी में आएगा, दाना नहीं उठाएगा, पोटा लगा लेगा तो फिर लकवा हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। हल्का सा भी आप देंगे कबूतर आपको सुस्त लग रहा है, फ़ौरन उसके ट्रीटमेंट करें और पानी का ख़ास ख्याल रखें। ऐसे वाले बड़े बड़े जो पौधे वो ला के रख लें, वो लाजमी दें और ठंडा करके रखें अपने कबूतरों को। ठंडा पानी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा 2-3 दिन में, अच्छा कबूतर बिल्कुल ठंडा रहेगा। ये जो गर्मी आजकल चल रही है इंशाल्लाह ये पकड़ नहीं पाएगी, ट्रीटमेंट करना तो हमारा काम है, बाकी शिफा अल्लाह पाक देने वाला है। और होने को भाई कुछ भी हो सकता है, आप लाख वैक्सीन कर लो, कुछ भी कर लो, दवा दारू कर लो, अगर अल्लाह पाक ने मुकद्दर में लिखी है वो बीमारी तो आनी है, लेकिन हमें फिर भी हिफाजत तो हमें करनी चाहिए। हमारे पास परिंदा है तो परिंदा या जानवर या कोई भी चीज़ हो, हमारी ज़िम्मेदारी है बेचारे हमारे आश्रय में, तो इनकी हमें पहले केयर करनी है। ठीक है दोस्तों, अभी कोई कबूतर शबूतर आते तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, कोई आया तो सही है, वरना तो यही वीडियो ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। पानी में आप लोगों का शेयर करूँगा, थोड़ी तबीयत सेट हो जाए फिर। वो पट्टा भी यहीं घूम रहा है, घूमता रहेगा वो इंशाल्लाह, कहीं भी नहीं जाएगा वो, कबूतरों में घूमता रहेगा, छोटा सा तो बच्चा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।